ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منهم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. सूरह मुमतहिना मदनी सूरतों में से है और दो रुकू और 13 आयात पर मुश्तमिल है। मुमतहिना इम्तिहान वाली सूरत ये इसी सूरत में आगे चल के ये ज़िक्र आएगा कि ख़वातीन मुसलमान अगर तुम्हारे पास हुजूर से कहा जा रहा है कि अगर आ जाती हैं हिजरत करके अपना इलाका छोड़ के फ़म्तहिनूहुन्ना तो तुम उनका इम्तिहान लो कि क्या वाकई वो हिजरत करके मदीना में रिहाइश पज़ीर होना चाहती हैं। अगर ऐसी बात है कि दीन की खातिर हिजरत करके वो मदीना में रहना चाहती हैं तो फिर फरमाया कि उनको वापस ना करो, उनको मदीना के रिहाइशी बना दो। ये जो आयत मुबारका है आयत नंबर 10 है इसमें ये इम्तिहान का लफ्ज़ आया हुआ है। मुमतहिना इसी लफ्ज़ से अखज़ करके इसका नाम रखा गया है। एक तो ये बात जहन में रखें, दूसरी बात कि इस सूरत में ये बड़ी अहम सूरत है, इसके जो मज़ामीन हैं मैं उनका मुख्तसरन आपके सामने मज़ामीन जो यहाँ पर आएंगे उनका ज़िक्र करूँगा, आपके सामने रखूँगा, फिर आयात की रोशनी में उन मज़ामीन को आप देख लें, ज़्यादा आसानी होगी कुरान को समझने में। देखिए पिछली सूरत में सारी बहस ये थी कि मुनाफिकीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये समझा रहे थे कि यहूदियों के साथ अपना रابطہ मुनक़ते करो। सूरह हशर में यही सबक हमें पढ़ाया गया। मुनाफिकीन जो थे, क्योंकि मुनाफिकीन भी अक्सर यहूदियों में से ही मुसलमान हुए, कलमा पढ़े हुए लोग थे, उनको कहा जा रहा था कि अपने पुराने ताल्लुकात को यहूदियों के साथ क्या करो, ख़त्म कर दो, कहीं ये ताल्लुक़ तुम्हारे ईमान के लिए ख़तरा ना बन जाए, क्योंकि सोहबत का असर होता है, ताल्लुक का असर होता है, तो अपने रابطے मुनक़ते कर दो, पुराने ताल्लुकात को ख़त्म करो यहूदियों के साथ। जो तुम्हारे रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबा जो भी हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को यानी मतलब एक असर न उस पर गौर करो, अब वो ताल्लुक अब आपका ईमानी हो गया है तो ईमान वालों के साथ अपना ताल्लुक़ रखो, उन यहूदियों के साथ ना रखो। पिछली सूरत सूरह हशर में सारा मज़मून यही चल रहा था। इस सूरत में देखिए कि जो लोग मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मुसलमान ईमान वाले हिजरत करके मदीना आए थे उनसे कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे ख़ानदान वाले दोस्त अहबाब मुशरिकीन मक्के में हैं
उनसे अपना ताल्लुक ख़त्म करो। ये ताल्लुक जब आपका अल्लाह से बन गया तो फिर कभी अल्लाह के दुश्मनों से नहीं बनना चाहिए। जब याद रखिए, अल्लाह से तुमने अपने आप को जोड़ा है, अपने रब से जोड़ा है, जो अल्लाह के दुश्मन हैं काफिर मुशरिक तुम्हारे दुश्मन हैं ये काफिर मुशरिक, अब उनके साथ रवाबित रखना, अब उनके साथ ताल्लुक रखने की कोई गुंजाइश नहीं, ये तुम्हें नुकसान देगा। ये रिश्तेदार क़यामत के दिन तुम्हारे काम नहीं आएंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी, कि जिस दिन जो है ना भाई, हर एक को अपनी फिक्र पड़ी होगी, हर एक अपने हिसाब किताब के चक्कर में होगा, कोई दूसरे के गुनाहों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। भगदड़ मचना नहीं कहते, यौम यफिर फरार भागना, भगदड़ मचना, हर एक को अपनी जान के लाले पड़े होंगे, अपने हिसाब किताब की फिक्र होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई को छोड़ देगा, व उम्मीही व अबी, बाप को छोड़ देगा, माँ को। देखो माँ की कितनी मोहब्बत होती है, लेकिन क़यामत के दिन माँ को अपनी फिक्र होगी, बच्चे की फिक्र नहीं होगी। इसलिए फरमाया कि वो जो तुम्हारे ख़ानदानी ताल्लुक़ हैं, दोस्ताने हैं पुराने मुशरिकीन मक्का के साथ, फरमाया कि अब तुम अल्लाह के लिए हिजरत करके मदीना आए हो, अपने जो है नए ताल्लुकात अंसार के साथ उनको मजबूत करो, ईमान वालों के साथ मजबूत करो, काफरों के साथ वो पुराने ताल्लुकात मुनक़ते करो, ख़त्म कर दो। ये बड़ा अहम मज़मून यहाँ आएगा, आयात की रोशनी में आपको बताऊंगा, इब्तिदाई आयात में ही ये बात आएगी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया जाएगा, हिजरत के हवाले से किन का हवाला दिया जाएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया जाएगा, और ख़ुसूसी तौर पर हवाला दिया जाएगा, और ईमान वालों से कहा जाएगा कि قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم, तुम्हारे लिए तो बेहतरीन नमूना इब्राहीम में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कैसे नमूना है, कहते हैं भाई, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, जब वो हिजरत करके अपने इलाके से निकले तो ये ऐलान करके निकले कि मैं तुमसे तुम्हारे माबूदों से बेजार हूँ, छोड़ दिया है, अब ज़र्रा बराबर भी मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो मुहाजिरीन थे मक्के से आए थे, उनको कहते हैं हज़रत इब्राहीम को याद करो, उनकी हिजरत को याद करो, फिर सही मुसलमान बनोगे। उन्होंने ये अपने सारे ताल्लुकात, ख़ानदानी रिश्ते, अकरबा दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब को छोड़ दिया था, और बल्कि सबसे बेजारी का ऐलान किया था कि ये अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई ताल्लुक मुझे कबूल नहीं है। इसके बाद एक बड़ा कानून, तीसरी बात, तीसरा मज़मून जो इस सूरत का, सूरह मुमतहिना का है, वो बड़ा अहम है, कि जिसमें याद रखिए ये बड़ा कानूनी मसला, पेचीदा मसला पैदा हो गया था, उसका हल बताया जाएगा। वो कानूनी मसला और पेचीदा मसला क्या था, कि मुसलमान मर्द हिजरत करके मदीना आए थे, उनकी बीवियां बहुत सौंकी मक्के में थी, मुशरिका थी, और बहुत सारी औरतें मुसलमान होके मक्के से किसी न किसी तरह निकल के मदीना पहुंच गई थीं, उनके शौहर काफिर मुशरिक थे, मक्के में थे। तो अब ये कानूनी मसला पैदा हो गया कि जो मर्द मक्का मदीना पहुंचे हिजरत करके, तो उनके मक्के में बीवियों के साथ उनका रिश्ता मियां बीवी वाला कायम है या ख़त्म हो गया। जो औरतें मदीना पहुंची हैं, याद रखिए कि उनके शौहर मक्के में हैं, तो उनका जो ना रिश्ता इस दिवाज का मियाँ बीवी वाला कायम है कि ख़त्म हो गया है, सवाल पैदा होने लगे।
देखिए भाई, ये दीन मुफ्त में हम तक नहीं पहुंचा, बड़ी मुश्किल आई है। अब तो भाई जान कि शौहर अगर घर लेट भी आता है तो उसकी पेशी होती है। मस्जिद में लेट क्यों हुआ? किधर थे जी? खाने में नहीं पहुंचे तो कोर्ट मार्शल करो शौहर को। हाँ जी, अब वो शौहर भी थे, हिजरत करके मदीना है, बीवी मक्के में, मुशरिका है, ये मोमिन है। सवाल कानूनी मसला पैदा हो गया। मेरा ख्याल है सब मेरी बात समझ रही है। मैं भी देर से घर चला जाऊं, पेशी हो जाती है, पूछते हैं कहाँ थे जी? ओ जी मैंने कहाँ जाना है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। देर हो गई जी? जी इंसान है जी, देर सवेर हो जाती है। तो वो शौहर जो मदीना में आए थे मोमिन बनकर, बीवियां उनकी मक्के में रह गई थी, मसला था निकाह बरकरार रहा के नहीं रहा, रिश्ता कायम है कि नहीं है। तो फिर यहाँ इस सूरत में याद रखिए कि इस बात का ऐलान किया जाएगा और बताया जाएगा। यही आयत नंबर 10 में फरमाया कि वला तुम सिकू बिसामिल कवाफिर, फरमाया कि किसी मुसलमान को काफिर और मुशरिक से निकाह की इजाज़त नहीं है। जो पहले रिश्ते थे निकाह थे, ख़त्म हो गए। अब वो अपनी ज़िंदगी गुजारे मक्के में, तुम अपनी ज़िंदगी वो मुशरिकाना गुजारें, तुम मोमिनाना गुजारो। अब देखिए ईमान आता है तो ये होता है भाई, हम तो अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए, मियाँ भी मुसलमान हैं, जो बीवी है वो भी, घर में कोई पेचीदगी नहीं है। बाज़ मरतबा थोड़े से मसलक का भी फ़र्क हो जाए ना, बरेलवी देवबंदी आले हाजी शिया सुन्नी का पेचीदगी हो जाती है। इसलिए हमसे कोई पूछते हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखो अपने ही जो ना वो तबके से ताल्लुक़ रखने वाले के साथ निकाह करो, घर में झगड़े तो नहीं होंगे। ये तो इस्लाम में तो कहा गया किसी मुसलमान, याद रखिए, इसलिए कहा कि वला तुम सिकू बिहसा बिल कवाफिर, हाँ वस अलूमा अनफक तुम, मेहरों का तबादला हो जाए। क्या हो जाए? जो मेहर शोहर ने दिया है रिश्ता ख़त्म हो गया तो वो वापस कर दें, अगर बीवी ने कुछ शोहर को दिया है वो वापस कर दें, मामलात निमटा दें, मामला निमटा दें। अच्छा ये लाहौरी जो बाबू है ना, फिर मॉडल टाउन वाले, उनको ये बात शायद ज़्यादा समझ ना आए, हम लोग हैं ऐसे जगह के, मैं खुद ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ काफिर रहते हैं, कैलाश कबीले के लोग। मेरे घर से कोई 8-10 प्रोफेसर साहब किलोमीटर के फासले पर ये लोग रहते हैं, ये मुसलमान हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हो जाते। अब शौहर मुसलमान हो गया, बीवी काफिर, वहाँ ये मसला पैदा हो जाता है, परेशानी पैदा हो जाती है, समझ गए कि नहीं? अब शौहर ने मेहर के पैसे दिए होते हैं, वो उनके यहाँ भी वो पैसे खर्च होते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अब क्या होगा? तो याद रखिए रिश्ता तो क्या हो जाएगा, वो खातून के सामने इस्लाम पेश करेंगे या शौहर है तो उसके सामने इस्लाम पेश करेंगे, इनकार कर दे रिश्ता ख़त्म होगा, लेकिन जो लेन देन है वो करना पड़ेगा। वस अलूमा अनफक्तु, इसलिए हमारे वहाँ के उलमा ने बैठ के फैसला किया हुआ इसी आयत के तहत कि भाई अगर जो है ना भाई शौहर जो है ना भाई वो बीवी मुसलमान हो जाती है, शोहर ने पैसे खर्च किए होते हैं वहाँ पर 5 लाख 10 लाख, हैं जी, तो वो 5 लाख 10 लाख जो है ना भाई शोहर ने जो खर्च किए हैं वो उसको वापस मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जी हाँ प्रोफेसर साहब, मुसलमान हो गई तो जो उस समय हालत कुफर में निकाह के वो जो उसने पैसे दिए 2 लाख 5 लाख, वो वापस करने पड़ेगा। खानियों हमारे इलाके में उनका भी ये मसला होता है, वहाँ भी ये मसला होता है। और याद रखिए ये हम कहते हैं ना कि हम दुनिया को कोई अहमियत नहीं देते, हमारे उलमा भी कहते हैं,
हम दुनिया को कोई अहमियत नहीं देते, हम पैसे को कोई, बहुत ज़रूरत की चीज़ है ये पैसा। भाई जान कमाएं और उसको अल्लाह की राह में लगा दें, इससे बेहतर नेकी कोई नहीं है। ऐसा ही वाक़ आगा खानियों के इलाके में एक बहुत पहले ज़माने में हुआ था। एक बच्ची के ऊपर एक लड़का नौजवान आशिक हो गया, उसने कहा मुसलमान हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, निकाह हो गया। कोई 4-5 लाख रुपए, जो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि वो लड़की वालों को पैसे देने पड़ते हैं, उनका जो खाना होता है वो भी और जेज वगैरह भी वो लड़के ने तैयार करना होता है, इलाकाई रिवाज है, ठीक है। कोई पैसों की तादाद तो मुझे सही याद। अच्छा, वो बच्ची जब उस घर में गई तो जाके पता चला कि नहीं, सही मुसलमान तो नहीं हुआ, ये अगहानी है। निकाह के चक्कर में उसने जो ना भाई अपने आप को क्या जाहिर किया, मुसलमान जाहिर किया। बच्ची वापस आ गई, उसने कहा ये अभी काफिर है, मुसलमान नहीं हुआ है, झूठ बोल रहा है। अब वो गरीब लोग थे, अब उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है जो हमने कोई 4-5 लाख रुपए खर्च किया हुआ है वो हमें वापस कर। अब वो गरीब लोग 4-500 नहीं उनके पास, यानी अब देखे ना वो काफिर कैसे ब्लैकमेल करते हैं। ये बैन अल-अक़वामी तौर पर जो कर रहे हैं वो अलग है, देसी भी करते हैं। जी अगर आपने आज़ाद होना है तो फिर आप हमारे पैसे वापस कर दें। उनको पता था ये 4-500 रुपए इनके पास नहीं, 1000 नहीं है तो 4-5 लाख कहाँ से लाएंगे। जिरगा हुआ तो वहाँ के एक बहुत बड़े जो है ना भाई मालदार शख्स, वो मेरे नाना जी के मुरीद थे, फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, बेटे उनके मौजूद हैं, दोस्त हैं मेरे। अब वो जोर दे रहे हैं, अब ये बेचारे कहते हम कहाँ से पैसे लाएं, कहते हैं कि किस्तों में दे देंगे फलों, कहते नहीं अभी दे, पता है उनको कि नहीं दे सकते। फिर वो जो साहब थे मालदार जो ना सेठ थे उस इलाके के, फौत हो चुके हैं, हमारे भी बड़े अच्छे मेहरबान रहे और बड़ी दोस्ती थी उनके साथ, वो खड़े हो गए कितने पैसे, उन्होंने बताया इतने पैसे 4 लाख या 5 लाख। उसने कहा अभी मुझसे ले लो, ये लड़की आज़ाद है, इस मुसलमान को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दो, पैसे मुझसे ले लो। कहने लगा आप क्यों दे रहे, वैसे ही दे रहा हूँ, ईमान का तकाज़ा है। उस वक्त जब वो 4-5 लाख रुपए, मेरा ख्याल आज के 4-5 करोड़ के बराबर है, देखा ये दौलत किस तरह काम आ गई। एक बच्ची जो ईमान वाली थी उसके दीन बचाने के लिए पैसा, ये पैसा जन्नत में ले जाने वाला पैसा है, ईमान बचाने वाला पैसा है। इसलिए हलाल रिज़्क़ कमाना जितने भी हैं, नीयत अच्छी कर लें कि भाई इस दीन की खिदमत, मुसलमानों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए जहाँ ज़रूरत होगी खर्च करूँगा, अपनी भी आसाइश के लिए खर्च करूँगा, सारी कमाई इबादत है। सुबह से शाम तक दुकान कारखाने में बैठे, फैक्ट्री में, भाई सब के सब नमाज में बैठने की तरह है। ये चीज़ हमारे मुसलमान भाइयों की समझ में नहीं आती। मेरा ख्याल है आप समझ गए कि भाई ये जो कहा ना कानूनी मसला, तो निकाह टूट गया, निकाह टूटने के बाद जो लेन देन है तो कहा गया वो लेन देन बरकरार रहेगा, क्योंकि काफिर हमारे यहाँ जो कैलाश वाले हैं वो दुगना लेते हैं। अगर पहले शौहर ने 1 लाख रुपए दिया खर्च किया है तो जब ये लड़की किसी और के साथ चली जाएगी तो फिर कितना दे दे वो नया शौहर, पुराने शौहर को कितना देगा, दुगना 2 लाख। लेकिन कुरान में है कि भाई जो जितने दिए हैं उतने ही लेने का हक है। इसलिए इसी पर चित्राल में इसी रिवाज के ऊपर फैसला हुआ हुआ है, क्योंकि हम खुद उन चीज़ों में रहते हैं कि भाई जितना खर्च हुआ है उतना वो करते हैं। ये पिछले दिनों भी एक बच्ची मुसलमान हो गई तो उनके जिम्मे भी काफ़ी सारे पैसे आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। मुसलमान जहाँ कहीं भी होते हैं बंदोबस्त कर लेते हैं। वो बच्ची के पास नहीं थे पैसे। मैं बड़ी ईद पे गया था तो जब मैं चित्राल के सफ़र में जाता हूँ मैं ऐसी चीज़ों की भी नियत करके जाता हूँ ताकि सफ़र इबादत हो जाए। तो हम तो इन चीज़ों को, हमें तो कुरान की इन तालीमात की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती। लम्बाडे टाउन में सारे मुसलमान,
इधर देखो मुसलमान, उधर देखो मुसलमान, ये कानूनी पेचीदगियों का सामना करना ही नहीं पड़ता। और फिर अब वहाँ पर ये एनजीओज हैं, ये मुसलमान नहीं होने देते, नहीं समझे, वो भी मसाइल हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि हमारी हुकूमत भी मुसलमानों का साथ नहीं देती, फेवर नहीं देती वो पेचीदगियाँ भी हैं। अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी मुसलमान मुश्किल में हैं, हमारे लिए अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। ईमान को बचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद उस वक्त भी थी और अब भी है, ये नहीं कि नहीं है, कब मसले हल हो गए। फलस्तीनियों को देखो, अपना दीन ईमान की खातिर ही वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके कोई चोर डाकू तो है नहीं, और कोई गुनाह तो उनका है नहीं, यही उनका गुनाह है, मुसलमान है, मुसलमानों के बच्चे। यहूदियों को नहीं मानते, यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते, कहते हैं भाई तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरा ख्याल है हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया था उसने ठीक किया था। यह कौम ही ऐसी है कि इसके साथ वही सलूक करना चाहिए, क्योंकि जब भी इसको कोई जो है ना भाई, याद रखिए, कोई छुरी हाथ आई तो इसने इंसानों को ही ज़बह किया है, इसने कभी बकरे ज़बह नहीं की, इंसान ही ज़बह किए। ये पूरी कौम ऐसी अल्लाह के गज़ब का शिकार कौम है, हिटलर ने सही किया था इनके साथ। अब मुसलमानों की बारी, हम तो कहते हैं अल्लाह मुसलमानों की मदद करे, लेकिन मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को कि होश के नाखून लें, अब भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, क़ुव्वत और ताकत हासिल करें। दुआएं भी उनको लगती हैं जिनके पास जो है ना पहले से सामान हर मौजूद हों, जो अपनी जद्दोजहद पूरी कर लें। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अब भी अल्लाह ताला, अब देखिए ना जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है, वो किसी मुसलमान मुल्क के पास बेबस। जहाज़ उड़ते हैं, आके बमबारी करते हैं, उन जहाज़ों को जो है ना भाई गिराने के लिए सामान उनके पास नहीं है। जो उनके पास जो है ना बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है वो मुसलमानों के पास, अल्लाह पर जो है ना यकीन के साथ तो जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। लेकिन मुसलमानों को बेदार होना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए मुसलमानों को बेदार होना होगा। याद रखिए कि हुजूर पाक, हम तो सीरत नहीं पढ़ते, हुजूर पाक ससर ये दुबाबा जो है ना, जो आजकल का टैंक है, ये यमन में बनाते थे। हुजूर ने सहाबा इकराम को भेजा था यमन कि जाके वहाँ जाके तुम ये टैंक बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करके आओ, टैंक बनाना शुरू करो। हालांकि उस वक्त वो यमन में वो जो लोग थे जुरेशी थे वो मुसलमान नहीं थे। भाई अपने घोड़े तैयार रखने पड़ेंगे, अपनी ताकत और कुव्वत बहाल रखनी पड़ेगी। मैं तो यही दुआ करता हूँ प्रोफेसर साहब कि बेदारी आ जाए मुसलमानों में। बेदारी यही है कि ताकत हासिल करें। तवाज़ुन कब होता है? जब आपके पास ताकत हो। हम देखने हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला नहीं करता, क्योंकि उनके पास है कि उनको पता है जितना उनके पास ताकत है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि जहाँ ताकत, अमन कायम करने के लिए, जंग को रोकने के लिए ताकत ज़रूरी है। है जुर्म ज़ाइफ़ी की सज़ा, मर्गे मफाजात। याद रखिए, अब बहरहाल मैं गुजारिश की कानूनी पेचीदगी कि मैंने तफसील से आपको बताया। अब किसी मुसलमान को काफिर औरत के साथ या किसी मुसलमान औरत को काफिर मर्द के साथ निकाह करने की इजाज़त, अगर कहीं ऐसी सूरत हाल है तो वो निकाह टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कहा वला तुम सिको बेसम कवाफिर वस अलो मन मा अनफ तुम वलियस अलो मा अनफ। आखिर में जाके चौथा मजमून जो आएगा वो ये आएगा कि भाई जो ख़वातीन मुख्तलिफ कबाइल से मुसलमान हो के मदीना के शहरी बनना चाहते हैं, मदीना में आके रहना चाहते हैं, हिजरत करके, उनका इम्तिहान ले लें, हाँ जी, कि क्या वाकयातन वो अपने दीन ईमान के लिए हिजरत कर रही है। अगर ऐसे बात है तो उनको वापस काफिरों की बस्ती में ना लौटाएं, मदीना के रिहायशी बना दें।
इम्तिहान आजकल भी ऐसा ही है कि नहीं? आप अमेरिका का शहरी बनना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू होता है कि नहीं होता? मदीना के शहरी बनने के लिए ये इम्तिहान भाई। और फिर आखिर में पांचवा मजमून जो आएगा कि ऐसी ख्वातीन को नसीहत की जा रही है कि मदीना की रियासत में रहने के आदाब क्या है, मदीना की रियासत में रहने के आदाब। आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं कि हुजूर से कहते हैं कि बैत कर लें उनको, अला अल्लाह युशरिक बिल्लाहि शैआ, शिरक ना करें मदीना में रहते। एक वला यसरिकना, चोरी ना करें, वला यज़नीना, जिना ना करें, वला यक्तुलना औलादहुन्ना, और ये कि अपने बच्चों को कत्ल न करें, वला यातीन बिबुहतान यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न व अर्जुलहिन्न, और किसी पर बुहतान न लगाएं। ख्वातीन का मशगला होता है जी तोहमत न लगाएं किसी को पर, मदीना में रहने के ये आदाब। और वला यासीनक फी मारूफ, और किसी नेकी के काम में भी पैगंबर की मुखालफत नहीं करनी, नाफरमानी नहीं करनी। याद रखिए कि जहाँ कहीं भी इस्लामी रियासत होगी तो वहाँ रहने के यही आदाब हैं। मोमिनों के लिए भी, मोमिनात के लिए भी यही आदाब हैं कि मदीना में जो रहने के आदाब थे वही आज भी यही हैं। जो रियासत मदीना के जो ना नक्शे पर पाकिस्तान बना है उसमें भी रहने के यही आदाब हैं। आप देखेंगे कि यही चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाएं, नसीहतें कुरान ने नसीहत की है ख्वातीन को कि यहाँ मदीना की रियासत में रहने के आदाब क्या है। भाईजान ये ऐसी नसीहतें कि अपने घर में रहने के भी यही आदाब है मस्जिद में आने के भी, रहने के भी मस्जिद में आने के भी यही आदाब है, अपने शहर में रहने के भी यही आदाब है, अपने मुल्क में रहने के भी यही आदाब है। देखिए अब ये जो पहली आयात आ रही हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसका एक बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में, तिर्मिज़ी शरीफ में, मुसनद अहमद इबन हम्बल में हदीस आती है। देखिए मुशरिकीन मक्का ने सुलह हुदैबिया का जो माहिदा था उसे तोड़ दिया था। हुजूर ने फिर ऐलान फरमाया कि आज के बाद तुम्हारे साथ कोई माहिदा नहीं। जो बनु खुजा पे उन्होंने हमला किया था हुजूर के हलफा के ऊपर, बनु बकर के साथ मिलके कुरैश ने, माहिदा ख़त्म हो गया सुलह हुदैबिया पर। हुजूर ने ऐलान फरमाया हमने जिहाद के लिए निकलना है, ये नहीं बताया किस तरफ जाना है, क्योंकि अगर बताते कि जी मक्के की तरफ जाना है तो याद रखिए वो भी तैयारी करते, ज़ोरदार जंग होती, मुसलमान शहीद होते, और फिर जो मक्के में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि आगे चल के उन्होंने ईमान कबूल करना था, आगे चल के उन्होंने दीन की खिदमत करनी थी, वो भी मारे जाते। तो हिकमत अमली ये थी कि भाई बताया ना चाहिए। एक सहाबी थे हातिब इब्न अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये खातून आई थी भाई बनी अब्दुल मुत्तलिब की कनीज थी, लोंडी, बाद में उनको आज़ाद कर दिया, गाना बजाने का काम करती थी भाई। किसका? गाना बजाने का। मदीना आई, हुजूर से उन्होंने दरख्वास्त की, तंगदस्ती है, गुर्बत है, महंगाई है जी मेरी कोई मदद की जाए। हुजूर ने बनी अब्दुल मुत्तलिब और बनिल मुत्तलिब के ख़ानदान से वो उनके लिए ताउन जो ने मांगा, सब ने उनकी मदद की, अब वापस जा रही थी। आपने देखा हम जब कहते ना हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन हैं, गाना बजाने वाले की मदद कर रहे हैं। मैं ख़ुद कभी अपने आप को देखता हूँ कि भाई थोड़ा भी जो है ना भाई कोई गाना बजाने वाला कोई इस तरह का कोई हो, उसके दिल मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं होती जी, बदमाश है जी, मेरा सी कंजर है, फला है, इंसान तो है ना। सरकार द्वारा इसलिए हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन थे, गुनाह कर रहे हैं अल्लाह उसका मामला है, इंसान ने
अब याद रखिए, फलस्तीन वाले भी इंसान हैं, बच्चे औरतें मर्द हैं जी। हमें आज रहमतुल आलमीन के दीन की ज़रूरत है, वरना दुनिया यहूदियों के हवाले करोगे ये आग लगा देंगे सारी दुनिया को। उसकी मदद की वापस जा रही थी तो हातिफ अपनी इब्न अबी बलता ने खत लिख के उस खातून को दिया कि मक्के के सरदारों तक पहुंचा दें कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। कुछ सहाबे कराम को, मखसूस सहाबे कराम को वो हुजूर ने बताया था। अब वो खत लेके रवाना हो गई। अगर वो खत खुल वो पहुंच जाता तो मैंने आपको बताया बड़ी खूनरेजी होनी थी, बड़ी तबाही आनी थी। हुजूर को वही के जरिए से जिब्रील, अच्छा 10 दिनार भी उसको दी हाथी भी वहाँ भी बलताने, किसी को बताना नहीं, सीधा पहुँचाना है। हुजूर के ऊपर वही आई, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, फरमाया कि जी खत लेके खातून जा रही थी। हुजूर ने हज़रत अली, हज़रत मिक़दाद इब्न अल अस्वद, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला तीनों को रवाना किया कि फ़ौरन चले जाओ। ये जो है ना भाई, याद रखिए जो है एक जगह का नाम हुजूर ने बताया कि वहाँ पर वो खातून तुम्हें मिलेगी। वो तकरीबन कोई हाल कुछ 12 किलोमीटर मदीना से दूर जो ना खौखैर, खौखा उसका नाम था उस जगह का, वहाँ पर वो खातून लेगी। उसके पास खत है, लेके वापस आना। और हुजूर ने फरमाया खत उससे बरामद करके आना, अगर वो नहीं देती मार दो उसको, क्योंकि एक को मार देना ठीक है, हजारों को जान, हजारों की जान बचाने के लिए। पहुंचे रोज़े खाख, जगह का नाम था रोज़े खाख, 12 किलोमीटर मील के फासले पर मदीना। तीनों ने कहा जी खत निकालो। खातून कह रही मेरे पास किधर खत, मेरे पास कोई खत। उन्होंने कहा हुजूर ने फरमाया तेरे पास है। हुजूर की कोई बात गलत, सादिक व अमीन की जबान है, निकालो नहीं तो तुम्हें बरहना करके हम जो है ना भाई क्या करेंगे, तराशी लें। और ईमान लेना जो होता है ना, उसने फिर वो खत अपने बालों में उसने छुपाया हुआ था वहां से निकाल के खत इनको दे दिया। वो खत लेके ये वापस आ गए। मदीना में बात पहुंची कि जी किसने लिखा, उन्होंने कहा हाथी भी बिना भी बलता। हुजूर ने उनको बुलाया क्या बात है हाथी। कहने गए हुजूर जल्दी ना करें, मेरे बारे में कोई फैसला ना करें, मेरी पूरी बात सुने। हुजूर ठीक है सुना दें। कहने लगे जी मेरे बच्चे मक्के में है। क्या हैं बच्चे? मेरी वालदा मक्के में, मेरा भाई मक्के में, मैं कुरैशी नहीं हूँ, कुरैश का हलीफ हूँ और कुरैश के अमान में वहाँ रहते हैं हम लोग। तो मैंने ये चाहा कि वो इस मैं उनके ऊपर थोड़ा एहसान कर दूँ, पहले ख़बर पहुँचा दूँ और फिर जो है ना भाई क्या हो जाए, वो मेरे बच्चों और मेरे भाई और मेरी माँ की हिफाजत करें इसके सिले में। देखिए ये गलती हो गई। क्या हो गई? इसको मुनाफिक नहीं डिक्लेयर किया गया, क्योंकि उनसे गलती हो गई थी, जिसको कहते हैं मसलहत परस्ती हो गई थी। निफाक नहीं हुआ था उनका, मैं मुनाफिक नहीं हूं, ये गलती मुझसे हो गई, मुझे माफ कर दें। बता रहा हूं हजरत उमर पास मगर निकालूं या रसूल अल्लाह इजाजत दें तलवार मैं इसका सर कलम करूं जिस मुनाफिक का। अब देखें ना ये जिसे कहते हैं ना भाई के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आजकल भी ये मसला पाकिस्तान में, ये बहुत पुराना मसला है कि रियासत के राज फाश करने का जुर्म जो है, ये गलती हो गई। या रसूल अल्लाह हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने तलवार निकाली सर कलम करो इस मुनाफिक का। हुजूर ने फरमाया ये मुनाफिक नहीं है, ये गज़वा-ए-बदर में हमारे साथ था, ये 313 में से
इससे गलती हो गई, ये मसलहत का शिकार हो गया। अल्लाह के वलियों सुन लो, कुरान की बात सच्ची है। वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। देखा, ये माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है, इम्तिहान है। अब देखिए, इतने बड़े सहाबी, बदरी सहाबी, याद रखिए, जो है ना भाई, अपने बच्चों और उनकी वजह से जो है ना भाई फिसल गए। हुजूर ने फरमाया, नहीं, मुनाफिक नहीं, इससे गलती हो गई। कहते हैं कि याद रखिए कि हुजूर खामोश हुए, कुछ नहीं फरमाया। कहते हैं कोई सज़ा दी या नहीं दी, इसका रिवायात में जिक्र नहीं आता, लेकिन उलमा की राय ये कि हुजूर ने कोई सज़ा नहीं दी, क्योंकि मामला रफा दफा हो गया। बदरी सहाबी थे और हुजूर ने फिर फरमाया हज़रत उमर से कि उमर, नहीं, अस्हाबे बदर के बारे में अल्लाह ने यह ऐलान किया, कद गफरतु लकुम, कि आगे भी तुमसे कोई गलतियां हो जाएंगी, मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी, माफ़ कर दिया है। तो लगता ये कि हुजूर ने माफ़ किया और हातिब इब्न अबी बलताह को कोई सज़ा नहीं दी। गलती इंसान से हो जाती है, जुर्म भी हो जाता है, लेकिन याद रखिए साजिश नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, फ़र्क है इनमें। गलती होना अलग है, साजिश मुनाफिक करेगा। ईमान वाले से गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, मसलहत के तहत कोई मसलहत परस्ती हो सकती है, बीवी बच्चे आजमाइश, कोई फितना आजमाइश बन सकते हैं, लेकिन ईमान वाला कभी साजिश इस्लाम के खिलाफ या इस्लामी रियासत के खिलाफ नहीं कर सकता। इसी के ऊपर मैं आयात का तर्जमा, पहली आयत का सुनाता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, देखा ना, ए ईमान वालों, ये किनको कहा जा रहा है, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे, उनको कहा जा रहा है, वो जो तुम्हारे पुराने, अब देखे ना, हाथी में अपनी बलता के ताल्लुकात, फरमाया छोड़ दो ये ताल्लुक। देखा, फरमाया ला तत्तखिज़ू अदुवी व अदुवकुम औलिया, मेरे और अपने दुश्मन के साथ को तुम दोस्त न बनाओ। ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, मेरे भी दुश्मन, तुम्हारे भी दुश्मन। तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दति, तुम उनके साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे, हालांकि वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक, और जो तुम्हारे पास हक आ चुका है उन्होंने उसका इनकार किया, इस्लाम का, कुरान का। युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम, तुम्हें याद नहीं कि उन्होंने ही मक्के से किसको निकाला, अल्लाह के रसूल को भी निकाला, व इय्याकुम, तुम्हें भी निकाला। दुश्मनी की वजाहत हो गई ना, जुर्म तुम्हारा क्या था, अन तुमिनो बिल्लाहि रब्बिकुम, कि तुम अपने रब के ऊपर क्या करते हो, अपने रब अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो, और कोई तुम्हारा जुर्म था। फिर उनके साथ दोस्ती, फिर उनके साथ रबते, फिर उनके साथ मोहब्बत। फरमाया इनकुम तुम खरज तुम जहादन फी सबीली, अगर तुम जहाद फी सबीली अल्लाह के लिए अपना घर छोड़े हो, हिजरत की है, वब्तिगा मरज़ाती, और मेरी खुशनुदी के लिए तुमने जो है ना ये काम किया है, उनसे दोबारा ताल्लुक़ न रखो, उनसे दोबारा रबते न रखो, मुशरिकों से, काफिरों से। फरमाया तुसिरू न इलैहिम बिल मवद्दती, याद रखिए तुम जो है ना भाई छुपा कर भेजते हो उनके पास दोस्ती के पैगाम, खत। देखना, वा अना आलमु बिमा फैतुम वमा आलंतुम, जो तुम छुपा कर करते हो, जो अलानिया करते हो, मैं उसे बेहतर जानता हूँ, तुम्हें पता है क्यों ऐसा किया। وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ, जो तुम में से ऐसी हरकत करेगा, दोस्ती की पींगें बढ़ाएगा मुशरिकीन के साथ, काफिरों के साथ, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, वो सीधे रास्ते से भटक गया भाई, वो राह रास्त से भटक गया। लेकिन हाथी भी मैं अपनी बलता को, फितने को तो रोका गया, लेकिन याद रखिए उनको माफ कर दिया गया। और ये वाज हो गई बात के बाज़ मरतबा बच्चे जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, आजमाइश बन जाते हैं, वालदेन के लिए रिश्तेदार आजमाइश बन जाते हैं।
याद रखिए उनकी वजह से ईमान को ख़तरा लाहिक होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए।